Hello everyone, welcome to Dr. Gunjan's classes. I'm Dr. Gunjan Goyal and today we are going to start with the fifth part of chapter number 3, class 10th ka chapter number 3 hai hamara unit 1 ka metals and non-metals. Uska hum part 5th video karne wali hai. To aap sabko pata hai is part ko humne 6 videos mein सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया था. सो ये फिफ्थ पार्ट है. चार पार्ट्स हम इसके ऑलरेडी कर चुके हैं. सो आई हैव मेंशन दोज लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. काइंडली गो थ्रू देम एंड देन वॉच दिस वीडियो. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पार्ट. सो इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन की. तो अभी हमने लास्ट वाले पार्ट में देखा था कि किस तरह से ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स होते हैं हाउ दे आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट और अंडर द सी वाटर. सो देयर वर टू सोर्सेज ऑफ द मेटल्स दैट इज अर्थ क्रस्ट एंड द सी वाटर. तो ज्यादातर अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं. तो उसके बाद हमने उनकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे देखी, किस तरह से उनके स्टेप्स देखे, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन. अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इनको एक्सट्रैक्ट किस तरह से किया जाए. लीस्ट रिएक्टिव, मिडल रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, ये रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे इन तीनों को डिफाइन किया गया है. तो इन तीनों को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उनकी फर्दर रिफाइनिंग की जाती है और उसके बाद एक करोजन वाला जो स्टेप है ये हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं इसमें, क्योंकि ये हम लोग लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं. ठीक है. और एलॉयज क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज और कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देखें. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1 ऑफ दिस पार्ट. फर्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव. जो लीस्ट रिएक्टिव है ज्यादातर वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं या फिर वो कुछ और फॉर्म्स में, सल्फाइड ओर्स की फॉर्म्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. तो हमारा मरकरी है और कॉपर है, ये लीस्ट रिएक्टिव है एलिमेंट्स मेटल्स. ये ज्यादातर सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. सल्फाइड ओर्स में कौन सा आ गया, हमारा सिनेबर आ गया. मरकरी सिनेबर की प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट है और कॉपर जो है कॉपर ग्लांस की फॉर्म में प्रेजेंट. तो इन सबको किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब हमने इसको निकाल लिया वहां से, कंसंट्रेट कर लिया, देन वी हैव टू एक्सट्रैक्ट इस ओर से, इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है क्योंकि हमारे लिए मेटल बहुत जरूरी है. हाउ वी डू दैट, तो सिनेबार को पहले, अब मरकरी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिनेबार को पहले हीट किया जाता है. तो फर्स्ट स्टेप इज हीटिंग, इसको हीट किया जाता है. तो हीट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑब्वियसली, बिकॉज एयर से ऑक्सीजन तो लेगा ही जब हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो वो मरकरी जो सल्फाइड है, जो मरकरी सल्फाइड जिसको हम लोग सिनेबर बोलते हैं कॉमन वर्ड्स में, तो मरकरी सल्फाइड पहले हमारा मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए. बिकॉज हमारा स्टेप यही रहता है कि हम जिस भी फॉर्म में प्रेजेंट है पहले उसको उसकी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करें, बिकॉज ऑक्साइड फॉर्म से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ईजी रहता है. तो मरकरी सल्फाइड जो है पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो मरकरी ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड लिब्रेट कर देगा. उसके बाद जब हम इसको वापस से हीट करेंगे, मरकरी ऑक्साइड को स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे, तो ये मरकरी जो मेटल है हमारा ये इसको रिड्यूस कर देगा, इस फॉर्म में इसको रिड्यूस कर देगा और ऑक्सीजन लिब्रेट कर देगा. सो दिस इज हाउ वी एक्सट्रैक्ट मरकरी फ्रॉम द मरकरी सल्फाइड. ठीक है. देन इस कॉपर जो मेटल है हमारा, कॉपर ग्लांस बोला जाता है इन कॉमन वर्ड्स, जबकि ये कॉपर सल्फाइड है. तो जो कॉपर सल्फाइड है पहले इसको हम लोग कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे. कॉपर सल्फाइड को पहले कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन कॉपर ऑक्साइड को फिर से एयर में हीट करके कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता. ठीक है. तो दिस रिड्यूसेस कॉपर सल्फाइड इनटू कॉपर. ओके सो दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द least reactive metals. Then comes the extraction of the metals which are of high medium reactivity. So second is medium reactivity. जो reactivity series में middle side पे present है, तो medium reactivity वाले जो भी हमारे middle reactivity वाले metals हैं, उनको किस तरह से extract किया जाता है? तो उनकी कुछ examples हैं iron, zinc, lead. तो ये सारे के सारे हमारे middle reactivity वाले elements हैं. मेटल्स हैं बेसिकली. तो ये ज्यादातर किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? आइदर दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स और दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स. तो कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स की फॉर्म में ये जो प्रेजेंट है तो इनको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है इनकी रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में. तो आप बिना देखे, बिना समझे, बिना सोचे समझे
जब भी किसी की एक्सट्रैक्शन की रिएक्शन को लिखने की बात आए तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, चाहे वो सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट है चाहे वो कार्बोनेट फॉर्म में प्रेजेंट है, सबसे पहले हमने वो ओर्स को उसके ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना, उसी के रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में आपने उसको कन्वर्ट कर देंगे। देन वापस उस ऑक्साइड को जब आप हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो उसके रिस्पेक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट कर देता है। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, चाहे वो रोस्टिंग के प्रोसेस से हो चाहे वो कैल्सिनेशन के प्रोसेस से हो, बट आपको पहले उसको उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना है। इसमें हम लोग मिडल रिएक्टिविटी वाले की बात कर रहे हैं तो जिंक की बात कर रहे हैं, तो जिंक एक जिंक ब्लेंड मतलब जिंक सल्फाइड की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है या जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसके कुछ कुछ नाम है, आप इस नाम को देख सकते हैं, मे बी सम क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम द कॉमन नेम्स एज वेल। जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड बोला जाता है, स्मिथ सोनाइड बोला जाता है, जिंक स्पार बोला जाता है, या फिर कैलामाइन यानी कि जिंक कार्बोनेट को बोला जाता है। तो ये सारे के सारे ओर्स किसके हैं, हमारे जिंक के। ठीक है, तो ये जो है जिंक, बेसिकली जिंक ब्लेंड जो एक जिंक है जो जिंक सल्फाइड की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है और जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर आपको सल्फाइड से उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो रोस्टिंग करनी पड़ेगी, और अगर आपने उसके कार्बोनेट से उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो कैल्सिनेशन करनी पड़ेगी, है ना। पहले हम इसके सल्फाइड को कन्वर्ट करते हैं यानी कि रोस्टिंग का स्टेप करते हैं, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पहले ही अपने जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसको इस जिंक ऑक्साइड को जब आप उसको हीट करेंगे तो ये वापस से जिंक की फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको किससे यूज किया जाता है, इसको कार्बन से, हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन, सो कार्बन से रिड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन से रिड्यूस नहीं करते। ठीक है, ऑक्सीजन से तो हम पहले हीट करते हैं क्योंकि वो उसकी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब हम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, अगर जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है तब भी आप उसको हीट करेंगे तो वो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद कार्बन ऑक्साइड बन जाएगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा, तो जिंक को रिड्यूस कर देगा और वो जिंक मेटल हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आयरन की अगर बात करें तो आयरन हेमेटाइट, हेमेटाइट आप सुना होगा आप लोगों ने, Fe2O3 की फॉर्म में आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो Fe2O3 की फॉर्म में जब प्रेजेंट है तो इसको कार्बन से इजीली आप रिड्यूस करवा सकते हैं, बिकॉज कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूस हो जाएगा और कार्बन खुद ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। सिमिलरली जो कार्बन है वो लेड को भी रिड्यूस कर देता है, तो लेड ऑक्साइड की फॉर्म में लेड को रिड्यूस करके लेड बना देगा और खुद कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ करेंगे, एल्यूमिनियम भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि मेटल में खुद रिड्यूस हो जाता है, दूसरे को रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे कि अब मैग्नीज ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीज अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड के साथ करेंगे तो एल्यूमिनियम कॉपर को रिड्यूस कर देगा कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में और खुद ऑक्सीडाइज होके Al2O3 बन जाएगा। ठीक है, देन देयर इज अ थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है, सो आई विल कीप ऑन मेंशनिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बट दैट डजंट मीन कि यही क्वेश्चन आने हैं। सो आई एम जस्ट फोकसिंग, आई एम लाइक प्रेशराइजिंग ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि लास्ट ईयर से आपके एग्जाम्स में आते चले जाते हैं क्वेश्चन, सो इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि आप ये आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है कि जब फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, एल्यूमिनियम इसको रिड्यूस कर देता है आयरन को और खुद ऑक्सीडाइज होके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और बहुत ज्यादा हीट जो है प्रोड्यूस होती है, एच मीन्स हीट। ठीक है, तो ये थर्माइट रिएक्शन बोला जाता है। थर्माइट रिएक्शन का क्या मतलब है, where aluminium is an reducing agent which comes and reduce the iron oxide into the iron by working as a reducing agent and itself get converted into aluminium oxide। ठीक है,
और इस प्रोसेस को वेल्डिंग में भी यूज किया जाता है, ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स या आयरन जॉइंट्स की वेल्डिंग्स में, जैसे रेलवे ट्रैक्स के जो जॉइंट्स होते हैं उसके लिए ये वेल्डिंग में काम आता है, इसलिए इसको थर्माइट वेल्डिंग बोला जाता है. ठीक है, क्या बोला जाता है? थर्माइट वेल्डिंग. सो दिस क्वेश्चंस कैन कम इन योर एग्जाम्स. देन हमारी बात आ जाती है अब हाई रिएक्टिव वाले, जो हाई रिएक्टिविटी वाले हमारे जो मेटल्स हैं उनकी बात आ जाती है. अब वो कौन से हैं? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो ये सारे के सारे ओर्स में प्रेजेंट होते हैं बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, दे कैन नॉट बी प्रेजेंट इन देयर फ्री स्टेट. तो इनको किस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं? सो दिस स्टेप इज इम्पॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. इनको हम कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन इन सबसे लेस रिएक्टिव है. कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट तभी काम करेगा जब वो उस खुद उन दूसरे वाले ओर से ज्यादा रिएक्टिव होगा. ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन इनसे लेस रिएक्टिव है तो कार्बन काम नहीं करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. यहाँ पे इनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया जाता है. सो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है मोल्टन स्टेट्स में. मेटल ओर्स जो है मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं अपनी, उनके पास इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो जो मेटल होता है वो खुद पॉजिटिवली चार्ज होता है ना. हमने बात की इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं. पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट जो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा? वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा. तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो सोडियम क्लोराइड में से सोडियम मेटल हो गया, हमारा मेटल हो गया, हमें सोडियम ही चाहिए, तो वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. देखिए यहाँ पे तो मेटल्स जो होते हैं हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं. इसको हम देख लेते हैं आगे किस तरह से किया जाता है. ठीक है, तो ये हमारे तीन तीन जो मेटल्स से रिएक्टिविटी के हिसाब से इनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. अब फर्दर जो रिफाइनिंग होती है वो भी हमारी बहुत जरूरी है. प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स या रिफाइनिंग जो है इसकी बहुत जरूरी है. वो किस तरह से होती है? वो भी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. तो उसके लिए वेरियस मेथड्स यूज करते हैं सम इम्प्योरिटीज को क्लीन करने के लिए. जब हमें मेटल्स मिल भी जाते हैं तो स्टिल दे हैज लॉट, दे आर लेफ्ट विद लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज. सो देयर इज नीड टू लाइक रिफाइन देम. सो व्हाट इज डन, हाउ डू वी रिफाइन देम दोज मेटल्स? सो दैट इज डन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ refining where a lump of impure metal and a thin strip of pure metal are dipped in the salt solution to be refined. एक impure metal का lump ले लेंगे, उसको तो हमें pure करना है, और एक हम thin strip ले लेंगे pure metal की, और उन्हीं का salt solution हम लोग, metal का कोई salt solution हम लोग as a solution ले लेंगे. ठीक है, तो जब हम उनको anode और cathode दो rods लगा देंगे, electric current pass कर देंगे, तो क्या होगा? जो हमारा प्योर मेटल है वो तो डिपॉजिट रहेगा ओवर अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल. ठीक है, और जो इम्प्योर मेटल है जिसको हम एनोड की तरह यूज कर रहे हैं और प्योर मेटल को हम लोग कैथोड की तरह यूज कर रहे हैं, क्या होगा? जो लंप ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल होगा, ठीक है, इम्प्योर मेटल होगा, वो पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड है ना, पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड है इम्प्योर मेटल, और स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल जो है वो नेगेटिव पोल से कनेक्टेड है, वो कैथोड से कनेक्टेड है, वो एनोड से कनेक्टेड है. इम्प्योर मेटल जो है वो एनोड से कनेक्टेड है और प्योर मेटल जो है वो कैथोड से कनेक्टेड है. जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो प्योर मेटल होगा, प्योर मेटल जो होगा हमारा, वो फ्रॉम एनोड मूव कर जाएगा कैथोड की तरफ और डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर, है ना, और इम्प्योरिटीज जो हैं वो एनोड के बॉटम पे रह जाएंगी, जिसको हम एनोड मड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एनोड मड. जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, आप देखिए यहाँ पे, तो ये एक स्टेप है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का. कॉपर की बेसिकली एग्जांपल ली गई है. यहाँ पे हमने इम्प्योर मेटल यहाँ पे एनोड के ऊपर रखा, प्योर मेटल की एक छोटी सी स्ट्रिप ली, वो कैथोड के ऊपर रखी. ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्ट ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया. जब यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा के इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो जो हमारा इम्प्योर कॉपर है, जो यहाँ से निकल के वो कहाँ चला जाएगा? प्योर कैथोड पे आ जाएगा, एनोड से निकल के कैथोड पे आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज इसके नीचे रह जाएंगे. इस इम्प्योरिटीज को एनोड मड का नाम दिया जाता है. क्या बोला जाता है? एनोड मड, MUD, mud. Okay,
So this is how we get the pure metal by doing the electrolytic refining. Okay. So this is about your extraction. How do we concentrate the ores, and then how do we extract them on the basis of the reactivity series, and then final step was the refining. How do we refine them from further impurity? So ये बहुत important रहा है, तो इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है? अगर कोई issue आ रहा है, कोई understanding में problem आ रही है, then you can ask me any question. I'll answer your queries. Okay. Then this is the repetitive topic, that is corrosion. So corrosion repetitive topic आपकी दोनों chapters में दिया गया है. इस chapter में थोड़ा सा detail में है, so इससे questions definitely आ सकते हैं, because उनके हिसाब से ये आपको पता होना चाहिए, तभी ये repeat किया जा रहा है books में, chapters में. Okay. तो corrosion में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ज्यादातर matters जो हैं वो react कर जाते हैं atmospheric air के साथ, तो वो अपनी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जैसे आयरन जो है जब वो रिएक्ट कर जाता है हमारा एयर में, तो उसके ऊपर मॉइस्चर में वो जब रिएक्ट करता है, तो उसकी जो ऊपर की लेयर होती है आयरन की, वो ऑक्साइड बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है. उसी आयरन ऑक्साइड को जो ब्राउनिश कलर का, रेडिश ब्राउनिश कलर का आप देखेंगे आयरन नेल्स के ऊपर आ जाता है, उसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई, मतलब आयरन करोड़ हो गई, ठीक है? जिसके कारण हमें एवरी ईयर बहुत लॉस होता है. जैसे कि आयरन से बहुत सारी चीजें बनती हैं, कार की बॉडी बनती है, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं जो आयरन से बनती हैं. सो आयरन से बनती हैं, तो आयरन जो है वो स्टेबल किस फॉर्म में रहते हैं? अपनी ऑक्साइड फॉर्म में. तो जब वो मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो उसकी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण रस्ट लग जाती है और वो खराब होने का डर रहता है. सो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि पेंटिंग हो गया, ग्रीजिंग हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, एलॉइंग हो गया. तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस हमने लास्ट चैप्टर में किया था, कि जिसमें क्या करते हैं कि जिंक से उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, जिसके कारण वो जो हमारा आयरन पार्टिकल होता है वो करोड नहीं होता, ठीक है? सो दिस इज अबाउट द करोजन, ठीक है? कि आप देख सकते हैं किस तरह से ये करोडेड हो गए, है ना? यू कैन सी रस्ट लग गई, ये रस्ट लग गई, तो खराब कितनी चीजें होंगी. तो वी कैन यूज सम प्रिवेंटिव मेजर्स. सो हाउ, व्हाट आर द मेजर्स? वन इज बाय पेंटिंग. आप पेंट कर दोगे तो वो करोड नहीं होगा, ठीक है? देन यू कैन डू गैल्वेनाइजेशन, ठीक है? देन कैथोडिक प्रोडक्शन वन कैन डू. देन एलॉइंग, एलॉइंग एलॉयज की फॉर्म में डाल देंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे, तो एनोडाइजेशन कर देंगे. तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसको आप यूज करेंगे तो आप करोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है? देन इज अलॉयज. सो दिस इज द टॉपिक. अलॉयज क्या होते हैं? सो अलॉयज एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. अलॉयज दो मेटल, मतलब दो या दो से ज्यादा मेटल्स के जुड़ के बनता है, या फिर कुछ मेटल कुछ नॉन मेटल का आपस में कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो एक अलॉय फॉर्म हो जाता है. ओके. दो तरह से अलॉय बनता है. फर्स्ट फॉर्म इज आइदर एक मेटल, एक या एक से ज्यादा मेटल्स जो है आपस में कंबाइन करके अलॉय बना देते हैं, और कुछ मेटल कुछ नॉन मेटल आपस में कंबाइन करके एक अलॉय बना देते हैं. सो दीज आर टू टाइप्स. तो हमारे पास कुछ अलॉयज की टाइप्स हैं. तो फर्स्ट टाइप इज फेरस अलॉयज. फेरस अलॉयज में क्या होता है? आयरन जिसमें प्रेजेंट है. सो मैग्नीज स्टील होता है, जिसमें आयरन 86% होता है, मैग्नीज 13% होता है, और कार्बन 1% होता है. एक निकल स्टील होता है, जिसमें आयरन 98% है और निकल 2% है. सो ये हो गए हमारे फेरस अलॉयज, जिसमें आयरन जो है प्रेजेंट होना ज्यादा जरूरी है और ज्यादा अमाउंट में. देन इज नॉन फेरस अलॉयज. सो वो अलॉयज जिसके अंदर आयरन नहीं होता, जैसे ब्रास हो गया जिसमें कॉपर 80%, जिंक 20% है, ब्रॉन्ज हो गया कॉपर 90%, और टिन जो है 10% है. अमेलगम्स एक थर्ड टाइप आ गई अलॉयज की, जिसमें मर्करी प्रेजेंट होती है. तो सोडियम अमलगम हो गए, जिंक अमलगम हो गए. सो ये अलॉयज हैं कुछ, ठीक है? अब हम अलॉयज की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. तो ये आप आयरन अलॉय और नॉन फेरस अलॉयज और नॉन फेरस अलॉयज देख लीजिए, ठीक है? देन आप प्रॉपर्टीज देखेंगे हम अलॉयज की. तो प्रॉपर्टीज में अलॉयज की क्या है कि अलॉयज जो होते हैं सबसे स्ट्रॉन्गर होते हैं. अगर आप कंपेयर करेंगे मेटल से, तो ये मेटल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है?
क्योंकि ये दो मेटल से मिलके बन जाता है या दो नॉन मेटल नॉन मेटल से मिलके बन जाता है, सो दे आर स्ट्रॉन्गर देन देयर रिस्पेक्टिव मेटल्स, और हार्डर होंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से, ज्यादा हार्डर होंगे, करोजन से मोर रेजिस्टेंट होंगे, इसलिए बोलते हैं कि अलॉइंग कर दो, ठीक है, अलॉइंग कर दो, खाली आयरन तो हमारा करोड कर जाएगा, तो वी कैन डू अलॉइंग, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इसका कम होगा एज कम्पेयर टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इसके मेटल्स है, जिन मेटल से मिलकर ये बना हुआ है उनसे इसका अपना जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा, जैसे कि ये टिन और लेड, ठीक है, इनसे मिलकर ये सोल्डर, सोल्डर एक अलॉय हो गया, ये टिन और लेड से मिलकर बना है, इसका अपना इसका मेल्टिंग पॉइंट टिन और लेड से कम होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होगी एज कम्पेयर टू कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, और ये करोजन से बचाव करते हैं, हार्डर होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। देन आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए कि कुछ अलॉयज, ब्रास हो गया, कि उसकी उसकी कॉम्बिनेशन क्या है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ब्रॉन्ज, सोल्डर, ड्यूरालूमिन, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देन स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, अलॉयज ऑफ गोल्ड हो गए, तो जनरली कोई भी चीज हमारी जो है, जैसे अब जो गोल्ड हम लोग यूज करते हैं बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, तो वो 22 कैरेट गोल्ड यूज होता है, बिकॉज उसमें कुछ कॉपर डाला जाता है, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज वो इतना सॉफ्ट होता है ना कि वो बन नहीं पाता, ठीक है, सो कुछ इम्प्योरिटीज उसमें मिक्स की जाते हैं, बेसिकली अलॉय बनाया जाता है गोल्ड का, सो आइदर सिल्वर इज यूज, बेसिकली कॉपर यूज किया जाता है उसको हार्ड करने के लिए, बिकॉज अलॉयज आर हार्डर देन देयर रिस्पेक्टिव जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनसे वो ज्यादा हार्डर होते हैं, तो इसलिए इसके अलॉयज को यूज किया जाता है, ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट, so we are left with just one part of this chapter, that is chemical properties of metals and non-metals, so jo metals aur non-metals ki kuch reactions hum water, dilute acid, dilute base aur displacement reaction ko hum log dekhne wale hain next video, so I hope this part is clear with you, this is a bit I'm like thoda sa tough hai, to aap isko ek do baar samjhiye, isko dekhiye video ko acche se, uske baad aap apni NCERT book ko read kijiye, अपनी जो सप्लीमेंट बुक्स हैं उनको देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देन यू विल गेट थ्रू दिस टॉपिक, ओके, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन आई एम देयर फॉर यू, ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय, टेक केयर।